हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन कैसे पास करते हैं, यानी कि सेल रिटर्न के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में डेबिट नोट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो वीडियो टोटल कम्प्लीट प्रैक्टिकल मेथड पर रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, बीजी सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो ये हमारे सामने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन है, कंपनी ओपन कर ली है, लेकिन हमें परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करने से पहले एक बात का ध्यान होना जरूरी है कि हमारी परचेज रिटर्न अगर हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमारी वो परचेज वाउचर की एंट्री पास हुई होनी चाहिए, यानी कि उसकी ट्रांजैक्शन हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। या फिर अगर आप सेल रिटर्न कर रहे हो, आपके पास सेल रिटर्न आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका उसका सेल इनवॉइस भी कस्टमर को इशू किया हुआ होना चाहिए, तभी हम परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन सही तरीके से कर पाएंगे। तो हमें बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले हम परचेज वाउचर और एक सेल वाउचर को देख लेते हैं। तो एक बार मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑप्शन, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑप्शन है, इसके अंदर परचेज, और एक बार मैं टोटल लिस्ट को ओपन करता हूं। जैसे मैं लिस्ट को ओपन करूंगा तो आप देख रहे हो 1/5/2023 के अंदर ये 324 नंबर इनवॉइस है, ठीक है। यहां पर वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी स्टॉक आइटम और इसकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ हमने मेंटेन किया हुआ है। अब ये परचेज वाउचर की, सेल वाउचर की ट्रांजेक्शन होती कैसे है, ये हमने ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्ले लिस्ट को ओपन करके भी वहां से देख सकते हो। और इसी तरीके से हम इसकी एक सेल ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं लिस्ट पे जाके। टोटल तो एक मैंने सेल वाउचर की एंट्री करके रखी हुई है और ये प्रोडक्ट सेल किया हुआ है। अब हम सबसे पहले करते हैं परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन पे हम जाएंगे, तो यहां आपको एक परचेज रिटर्न का ऑप्शन है जो दिखाई देगा। अब हम परचेज रिटर्न पर चलते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एड करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो परचेज रिटर्न है वो आपके जो आपने परचेज किया हुआ है उसकी आगे की सेम डेट या फिर उसके आगे की डेट होनी चाहिए, पहले की डेट के अंदर वो परचेज रिटर्न नहीं हो सकता। मान लीजिए हमारा 1 मई 2023 के अंदर हमारी परचेज थी, तो हम इसकी 2/5 के अंदर डेट देते हैं, तो डेट पे हम 2/5/23 और उसके बाद में अब यहां देख सकते हो ये वाउचर नंबर आपका बिल्कुल खाली जा रहा है, सीधा आपका परचेज टाइप पे जा रहा है, ठीक है। अब परचेज टाइप के जाने से पहले हमें वाउचर नंबर भी चाहिए होगा, तो वाउचर नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और उसके बाद में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का, परचेज रिटर्न और मेन, और यहाँ पर वाउचर नंबरिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम इसको करेंगे। चाहे तो आप ऑटोमेटिक रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो। डुप्लीकेट डोंट अलाउ रहेगा, ब्लैंक भी डोंट अलाउ रहेगा। इसी तरीके से हम सेल रिटर्न का भी हम मेंटेन कर देते हैं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक है, इसका मैनुअल कर देंगे, डोंट अलाउ, डोंट अलाउ, ठीक है। अब वापस हम ट्रांजैक्शन पर, परचेज रिटर्न डेबिट नोट यहाँ देख सकते हो, इसके आगे लिखा हुआ डीआर नोट, यानी कि डेबिट नोट हम इशू कर रहे हैं हमारे सप्लायर को। एड पे जाएंगे, तारीख हम 2/5/23 यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका डेबिट नोट है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो डीएन या वन लग रहा है, जो भी आपका डेबिट नोट की जो सीरीज अगर चल रही है पहले से, तो हम 001 करते हैं। और उसके बाद में आपकी जो परचेज टाइप कैसी थी, जो परचेज टाइप वहां पर हमारी थी लोकल की थी और मल्टी थी, तो यहाँ पे सेंटर की बजाय हम इसको लोकल मल्टी रेट के अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर था हमारा विजय ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पर आपसे वो डिटेल पूछेगा, ओरिजिनल परचेज की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। अब आपका ओरिजिनल वाउचर नंबर था वो 324 था, जैसे यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे ये दिखा देगा कि वाउचर की डेट 1/5/2023 की है, और यहाँ पर आपकी उस परचेज इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कितना, उसके अंदर सीजीएसटी था, कितना एचजीटी था, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक वहाँ से पिक कर लेगा। इंटरप्रेस करेंगे, ओके करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ से डिटेल आपका ITC रिलेटेड पूछा जाएगा, तो इसके अंदर हम इनपुट गुड्स सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको और भी दिखाई देंगे, हमें इसको इनपुट गुड्स करेंगे, क्योंकि ये ITC एक तरीके से हमारे यहाँ पर रिवर्स होगा। इंटरप्रेस करेंगे, नरेशन अगर आप इस रिटर्न से संबंधित कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद में हमें जो भी प्रोडक्ट
वापस हमें करना है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने इस प्रोडक्ट को, आप 100% ही अपना परचेज रिटर्न कर सकते हो, परचेज जितना भी आपने परचेज किया था सारा कर सकते हो, कुछ आइटम आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 पीसेस ले लिए और उसके बाद में जो मेरा परचेज का रेट था वो परचेज का रेट यहाँ पर मैं डाल दूंगा। उसके बाद में और आइटम है तो और आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं सीधा यहाँ पे टैब बटन के साथ में बिल सेंट्री पे आता हूँ। अब उसके बाद में बिल सेंट्री पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी टैक्स को, तो टैक्स हमारा कितना था 18% का था तो 12% का था तो 6% और एसजीएसटी भी हमारा 6%। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल एसजीएसटी सीजीएसटी टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गए। अब यहाँ से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 986 रुपये की इसकी टोटल वैल्यू बन गई। सेव पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में सप्लायर्स क्रेडिट नोट डेबिट नोट, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने तो डेबिट नोट इशू कर दिया लेकिन इसके अगेंस्ट के अंदर आपका जो सप्लायर है यानी कि जो विजय ट्रेडिंग कंपनी है वो हमें क्रेडिट नोट भी देगी, तो यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट का नंबर लिखना पड़ेगा भी आपका क्रेडिट नोट नंबर क्या आया है। ये इसने ऑटोमेटिक जो हमारा मेंशन यहाँ से पिक किया है वो ये वाला डेबिट नोट यहाँ से उसने उठाया है, जबकि मैं सप्लायर का जो क्रेडिट नोट अगर आपके पास आ चुका है तो यहाँ पर आपको डालना है, अदरवाइज आपका डेबिट नोट जो आपने यहाँ पे DN001 हमने लिखा था वो रहेगा। अब मान लीजिए इसका कंपनी का जो क्रेडिट नोट आ गया था CN, मान लीजिए हमने 5222 का आ गया और 2 तारीख के अंदर ही आ गया, ओके। और उसके बाद में एडजस्टमेंट करना है या न्यू रेफरेंस करना है, अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो जो हमारा इनवॉइस नंबर था वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर उठा लेगा, ये इसी के अगेंस्ट के अंदर हमारी वैल्यू जो कम होनी चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल पूछेगा भी अगर आपने जो गुड्स रिटर्न किए हैं उसके अगेंस्ट में आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो यूज किया हुआ है। अगर आपने यूज नहीं किया हुआ कोई भी ट्रांसपोर्ट तो आपको यहाँ से इस विंडो को आपको स्किप कर देना है। जैसे हम स्किप करेंगे ये वाउचर हमारा सेव हो जाएगा। अब हम एक बार सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन को भी करके देखते हैं, उसके बाद टोटल में इसकी रिपोर्ट को चेक करेंगे। उसके लिए हमें सेल रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट हमें इश्यू करना पड़ेगा। एड पर हम जाएंगे और यहाँ पर मैं 3/5/2023 और जो वाउचर नोट, अब हमारा यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है वो क्रेडिट नोट हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा यानी कि हमने CR001 कर दिया। और जो सेल टाइप हमारी वो लोकल की सेल थी, विद इन स्टेट था हमारा, तो हम इसको भी यहाँ पर लोकल मल्टी रेट का सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे कस्टमर का नाम हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वाउचर नंबर पूछेगा भी आपने ओरिजिनल सेल की जो डिटेल है वो यहाँ पर डिटेल डालिए। जो वाउचर नंबर था वो STC001 था, तो जैसे ही हमने वाउचर नंबर डाला वाउचर की डेट ऑटोमेटिक आ गई और उस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स की अमाउंट भी यहाँ पर आ गई। उसके बाद में ये कह रहा है GST शुड बी डिटेल, कोई बात नहीं, मैं इसको GST नंबर हमारा मेंशन नहीं किया हुआ है। और उसके अगेंस्ट में अगर आपने जो क्रेडिट नोट इश्यू करे यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट वापस आया किस कंडीशन के अंदर आया, एक्सपायर था, डैमेज था, जो भी रीजन अगर आप लिखना चाहते हो तो नरेशन के अंदर लिख सकते हैं। फिर मैंने जो भी प्रोडक्ट किया था, मान लीजिए 5 पीस सेल थे, 2 पीस वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमने सेल किया था वो रेट हमें यह लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सेम हमें बिल सेंट्री के अंदर CGST टैक्स और SGST टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, टोटल 560 रुपये का ये अमाउंट आ गया। सेव पे हम क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मेथड एडजस्टमेंट जो हमारा फर्स्ट इनवॉइस था उसी के अगेंस्ट में ये एडजस्ट होगा, तो सेम यहाँ पर वो भी हमारे से ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल वगैरह पूछेगा। तो अगर आप डिटेल देना चाहते हो तो एड न्यू पे करके आप यहाँ पर दे सकते हो, भी ट्रांसपोर्ट हमने लिख दिया, भी बाई कार या बाई सेल्फ जो भी आपका रहेगा वो हमने डाल दिया। उसके बाद में GR नंबर, अगर आपने इसके अगेंस्ट में कोई बिल्टी नंबर वगैरह या कोई वाउचर डिटेल अगर आपने कोई तैयार करी है उसका नंबर, उसके बाद में आपके जो भी आपका व्हीकल नंबर है व्हीकल नंबर आ जाएगा, स्टेशन कहाँ से जा रहे हैं, डिटेल, पिन कोड वगैरह, ठीक है। उसके बाद में अगर ईवी बिल अगर आपकी 50,000 रुपये से ज़्यादा का इनवॉइस है तो आपको ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर आपने बनाया तो इसको यस करोगे तो यहाँ से डिटेल आ जाएगी, नो करोगे तो ये डिटेल हाइड हो जाएगी। इंटरफेस करके हमने ये डाटा एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद में हम इन सभी की रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और हम लेजर को, अकाउंट्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहला हमारा सप्लायर था जो हमने परचेज रिटर्न किया था उसके ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ देखोगे हमारे पास एक तो आ रहा है परचेज क्रेडिट साइड में और एक हमने ये PRR देख सकते हैं, PR रिटर्न यानी कि परचेज रिटर्न हमने कर दिया 986 रुपये का, तो यहाँ पर इसका जो बैलेंस है ये
ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे कस्टमर का अगर हम लेजर देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कस्टमर को लेजर हमने सेलेक्ट किया, 1400 रुपए का हमने सेल इनवॉइस इशू किया था, 560 रुपए का हमारे सामने ये रिटर्न की अमाउंट शो कर रहा है सेल रिटर्न की, यानी कि इसके अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट है जो इशू कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे वही अमाउंट आ जाएगी। अगर आप इसका प्रिंट लेंगे हम, तो अगर जैसे हम इसका प्रिंट की अगर हम इसकी कमांड अगर हम देते हैं यहां पर प्रिंट की, तो सेल रिटर्न इनवॉइस उसके बाद में स्टैंडर्ड वगैरह, अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब उसके बाद में अगर इसका फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहां से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। इनवॉइस की हेडिंग पे आपको क्या लिखना है, कंपनी का नाम वगैरह क्या लिखना है, वो सारी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है सेल रिटर्न इनवॉइस के अगेंस्ट में। मैं इसको एक बार AGTG सेव कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्रेडिट नोट बन के आएगा। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो क्रेडिट नोट आ गया हेडिंग में, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आ गया और उसके बाद में कस्टमर की टोटल डिटेल्स और डिटेल के साथ साथ ये टोटल इसकी स्टॉक आइटम की डिटेल्स, यहाँ पर टैक्स की डिटेल। तो ये फर्क कितना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्रेडिट नोट आ गया। अगर यहाँ पर इसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट स्लैश सेल रिटर्न वगैरह कुछ लिखना चाहते हो तो आप सेटिंग के अंदर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे, GST रिपोर्ट, तो GST रिपोर्ट्स के अंदर भी ये सारी जो हमारा टैक्स है वो भी रिवर्स करके हमें दिखाएगा। GST रिटर्न पे जाओगे आप, या अगर आप GST की टोटल समरी देखना चाहते हो तो GST समरी आप चेक कर सकते हो। GST समरी पे जाके तो यहाँ से भी आप देख सकते हो भी टोटल भी आपका टोटल कितना इनपुट है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अगेंस्ट के अंदर आपको कितना रिवर्स करना पड़ रहा है। इसी तरीके से टोटल आपका ओपनिंग बैलेंस या आपका आउटपुट रह गया, ठीक है, ये ऊपर आपका इनपुट टैक्स रह गया। अब इनपुट टैक्स के अंदर आपका ये डेबिट नोट का इनपुट टैक्स यहाँ से रिवर्स हो रहा है 52 रुपए का, और यहाँ अगर आपका आउटपुट टैक्स देखें तो ये 75 रुपए का आपका आउटपुट टैक्स था सेल के अगेंस्ट में, और यहाँ पर ये 30 रुपए आपकी जो वैल्यू है जो हमने ये वाउचर तैयार किया था। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये 30-30 रुपए हमारा यहाँ पर भी ये रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको ये रिवर्स करके दिखाएगा। तो अगर हम इसकी इनपुट की टोटल की बात करें तो यानी कि 6,635 रुपये और 7 पैसे ही आपका इनपुट है, टोटल आउटपुट रहेगा आपका 45 रुपये का, यानी कि 75 रुपये हमारा सेल के ऊपर आउटपुट टैक्स था, 30 रुपये हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गया, तो ये 30 रुपये हमारा इसके अंदर से रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल अभी भी आपकी जो GST की जो पेमेंट है वो माइनस में आ रही है 6,290 रुपये 7 पैसे की। तो यानी कि ये टैक्स की अमाउंट को भी ऑटोमेटिक रिवर्स कर देगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो वो भी जरूर कर लेना।